सब नारियों वो नगर मकोल साहब की गुरु प्यारी गुरु की सात संगत जी बुलाओ पते वाहे गुरु का खालसा। पहले तो मैं थोड़ा सारे का तह दिल धन्यवाद करता भी तुम समय चो समा कढ़ के आए हो। चलो अज परमात्मा की मेहर भी होगी धुप भी मेला तो दस दिन बाद लगी है बहुत वधिया शुभ संकेत है। मैं नाल ही थोड़ा धन्यवाद करता कि तुसी पिछले पांच साल मैनू हल्के की सेवा का मौका दिता ते थोड़ा प्यार ते सत्कार सदका ही मैनू पांच साल डेढ़ लाख लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिलिया ते मैं ये थोड़ा सारे का शुक्रगुजार हाँ थोड़ा बहुत धन्यवादी हाँ। तो मैं एक गल कह सकदा कि पिछले पांच साल विच आपदे सच्चे मनों ईमानदारी नाल तनदेही नाल सेवा करदा यतन कीता। मैं नहीं कहता भी कोई कमियां नहीं रही होनियां कमियां फिर भी रह जांदियां पर फिर भी एक गल दा मैं तुहानूं जिम्मेवारी दे नाल विश्वास नाल कह सकदा कि यतन कीता भी इलाके की तरक्की इलाके की खुशहाली दे विच जिन्ना कि भी आपका योगदान पाया जा सकता है पाइए। हालांकि पिछले पांच साल साड़ी सरकार नहीं सी पर फिर भी पिंडां नूं विकास लई जो भी कुछ योगदान पा सकते सी वख वख वर्गां दीआं लोड़ां मुताबक वह पाया। उस तो पहला जब सरकार सी मैनूं मौका मिलिया मैं गिणाउणा नहीं चाहुंदा जगदीप सिंह जी ने सारा दस्सिया ही है वह सारे काम होए इलाके का बहुत वड्डा फायदा होया। मैं समझदा अज भी बहुत कुछ होने वाला है ये नहीं कि काम मुकम्मल हो गए अज भी अजे घग्गर की समस्या खड़ी है। असी एक किया होगा इंटर रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जिथे ये जरा रहा काम है घग्गर का अपने हल्के का मुकम्मल कराया जाए यदि सानू इजाजत दी जाए। इस तरह होर बड़े काम ने अपने इलाके दे विच चंगी कोई विद्यक अदारा स्थापित करना हस्पताल भी जिहड़ा है जो अपग्रेड करने उत्ते वधिया सहूलतां प्रदान करनियां ये कुछ जिहड़ियां चीज़ां ने साडे मन दी है कि इहनां नूं पहल दे आधार ते करिए ते तुसीं मैनूं तां खुशी हुंदी है आ जद कॉलेज च शायद तुहाडे भी बच्चे इत्थे अपने पिंड दे काफ़ी पढ़ते हैं मूनक दे जद इह कॉलेज बणिया मैनूं नहीं सी पता मैं सोचदा सी इह जद इहदी कुल मिलां तां 1500 बच्चे वास्ते 2000 बच्चे वास्ते कॉलेज बने। अज मैं प्रिंसिपल साहब नाल गल की पिछे जे मैं जी हूँ किन्ने बच्चे है कहते जी 3000 बच्चा पढ़ रहे। सो 5 साल के कॉलेज बन तो अज 3000 बच्चा उन्हें पढ़ रहे हैं जेडे कदे बच्चे बाहर जाते सी। सो यह होर भी संस्थावां लियाउण दी लोड़ है जिन्हां वास्ते पिछले किसी सरकार ने खास तौर पर कांग्रेस ने तो कोई किया ही नहीं है। हैरानी की गल है तुम सुन के हैरान होंगे असी जब एक कॉलेज बनाया सी उहदे नाल मैडिकल नॉन मैडिकल दीआं क्लासां भी शुरू करनियां सी पैसा 2-3 करोड़ रुपया होर लगना सी उहदे च लैबोरेटरीआं बननियां सी नॉन मैडिकल मैडिकल वास्ते लैबोरेटरीआं जरूरी हुंदियां ते 3 सालां च इह लैबोरेटरी नहीं बना सके कॉलेज बन गया इह लैबोरेटरीआं नहीं बना सके ते बच्चे देखो अज भी नॉन मैडिकल मैडिकल वाले बेचारे बाहर जांदे पढ़न इहदा नुकसान हो रहा इलाके दे हो रहा तो इन्हां दा तां कोई ध्यान है ही नहीं। ते मैं एक तुहानूं विश्वास नाल गल कह सकदा परमात्मा मेहर करेगा सरकार दे विच अपना हिस्सा पाऊगा कोई अधूरा काम इलाके दा नहीं रहण दे। एक तां साडी मनशा है कि अपने इधर घग्गर पार दे पिंडां दे विच एक कुड़ियां दा कॉलेज स्थापित करिए जिथे सारे इलाके दीआं कुड़ियां पढ़ सकन उहनां नूं फायदा होवे। एक हस्पतालां दे विच प्रोपर जिहड़ी फैसिलिटी है मतलब मशीनां जिहड़ियां ने क्योंकि अज युग जिहड़ा है वह साइंस दा इलाज वास्ते भी मशीनां दी लोड़ ही है डाक्टर अद्धा काम डाक्टरां दा अद्धा काम मशीनां दा कोई टैसट होने दे कुछ होना हैगा सो उहनां नूं भी जिहड़ी कमी है वह सारी पूरी इत्थे कीती जाऊगी। मेरे तां एक एक चीज़ जिहड़ियां मन च बैठी हुई है आह काम जिहड़े अधूरे पए ने ये करन वाले ने ते तुहानूं करके देवांगे। ते जिवें गुरदीप सिंह जी ने गल कीती कहिंदे स्कूल अपग्रेड है स्कूल पिछे भी अपग्रेड बहुत होए सी थोड़ा रह गया उहदा मैं तुहानूं
उस गल की उदो भी क्षमा मंगी सी भी इहनू हुण अगली बार थोड़ा पहल दे आधार ते तीन चार पिंडां दे स्कूल जिहड़े ने वो मेरे ध्यान च है। लिखता साढ़े करौंदे स्कूल अपग्रेड होना, थोड़ा अपग्रेड होना, गुरने अपग्रेड होना, इस तरह दो तीन होर ने जिहड़े अति जरूरी ने, तो उन्होंने पहल दे आधार ते सारयां नू असीं अपग्रेड करांगे। तो पिछले तो हुण ना कोई देखो हुण पिछले साल ना कोई स्कूल अपग्रेड होया, ना कुछ होर होया, उहदा विकास सारा ही तकरीबन रुकिया पिया। तो हुण थोड़े सहयोग नाल ही उहदा तुसीं इह भी जाणदे हो भी कौन विकास करा सकदा, कोई मैनू दसण दी लोड़ नहीं, तुसीं सारे भली भांत च इस गल नूं जाणदे हो। हाँ जे कोई होर तुहानूं लगदा भी वध काम करा सकदा तां मैं तां कहिंदा उहनूं वोटां पा दे, कोई मैनूं इस गल दा कोई अफसोस कोई दुख नहीं होएगा, क्योंकि सानू इलाके की तरक्की ते खुशहाली चाहिए है, इलाके का विकास चाहिए, यही जिहड़ा साडा मनशा हुंदी है जद असीं वोटां पाउणे आ। ते इस करके थोड़े सारियां तो जिथे पूरे सहयोग की भी आस रखते हैं उत्थे पार्टियां सारियां ने आउणा। देखो एक गल मैं जरूर थोड़े नाल सांझी करना चाहुंदा, शायद कुछ लोगों के मन में है भी है, कहिंदे अज बीजेपी नाल समझौता किया। मैं गल कहना भी ये दो पहलू ने, एक तो पहलू है साडा किसानी संघर्ष का जिदे च बड़ा वड्डा संघर्ष होया, बहुत सानू नुकसान भी उठाना पिया, जिदे च सरकार नू आखिर थोड़ी हिम्मत थोड़ी जो जज्बे के पिछे जिहड़ा है सिर झुकाउणा पिया, कानून वापस ले, प्रधानमंत्री ने गलती भी मनी, उन्होंने कानूनों के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल सहयोग डट के लड़े। असी ढींसा साहब ने आपका देश का दूजे नंबर का सब तो उच्चा वड्डा जिहड़ा है सन्मान पद्म भूषण वापस किया। वो कहते भी असी जिहड़ी सरकार यह जे कानून बनाउंदी असी उहदा साथ नहीं दे सकते, तुहानू मैं रोस वजो उन्होंने वापस किया पद्म भूषण। सब तो पहले चिट्ठी लिखी, कानून तो बाद च बने है, ढींसा साहब ने 20 जुलाई नू यह चिट्ठी लिखी सी भी कानून गलत ने, इन्हों ना बनाया जाए, इन्हों रोकया जाए। तो हर जगह पर साड़ी सारी लीडरशिप नाल खड़ी, पर हुण कानून वापस होने तो बाद जब पार्टी के विचार किया, जिहड़ा हुण दूजा पहलू तुहानू मैं दसण लग्या कि उन्होंने जब कहा भी साडे नाल करो, तो फिर विचार किया गया भी जे अपना पंजाब वास्ते कुछ देंदे ने, जे कुछ देने नूं मनदे ने तां सानू फिर इह कोई माड़ा नहीं, पंजाब दा आखिर अगे दा भी सानू सोचना पैणा है। जे असी पिछली गल नूं फड़ के बह जाएंगे तो अगे जिहड़ा है पंजाब दी अज भी बहुत लड़ाइयां ने, अज पंजाब जे कही है भी सारे साडे मसले हल हो गए, नहीं, हजे भी बेरोजगारी, हजे भी आर्थिक मंदहाली, कर्जा, अते साडी सनत खत्म हो रही है, साडे बच्चे नशियां च ग्रस्त हो रहे ने, ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने अज भी इन्हां नाल पंजाब लड़ रहे, इन्हां दे खिलाफ जित कली जे कही सूबा सरकार दे सहयोग नाल नहीं कर सकदे। जे कली सूबा सरकार समर्थ हुंदी तां हुण तक तां सारे कर्जे माफ हो जांदे, हुण भी जिहड़ी है केंद्र सरकार दे सहायता तो बिना ना कर्जे सारे माफ हो सकते हैं, ना असी कोई सनत उरे लिया सकते हैं, कोई ऐसी नीति असी मंग की है उन्होंने को, असी कुछ मुद्दे रखे हैं, जे तुसी थोनू चंगे लगे तो तुसी प्रवान कर लियो भी की ने। तीन तरह के मुद्दे ने पंथक जेडे साडे कौम दीआं लोड़ां ने। अज हुण देखो बंटी सिंघां दी गल चली, दसंबर च जद असी मुद्दा लैके चले सी कोई नहीं सी गल करदा बंटी सिंघां दी, किसी दे चित चेते भी नहीं सी, ढींसा साहब लैके उदन अखबार च भी तुहानू पता आया, ते अभी बंटी सिंघां नू रिहा करो जिहड़े 25 दा असी सारिआं दा केस बना के लैके गए हैं, ये नहीं भी लिख के देता भी 25 नू रिहा करो, बाय नेम कि धारा का परचा दर्ज है, कि धारा दे विच किन्नी सज़ा कट चुके ने, ते हुण उन्हां नू रिहाई वास्ते या ट्रांसफर वास्ते सारिआं मंगां उन्हां दीआं रखीआं। फिर काली सूची खत्म करन दी मंग रखी आ सी, SGPC चोणां कराउण दी मंग रखी आ सी, पंजाब दे किसान ते खेत मजदूर दा कर्जा माफ करन दी गल रखी है, असी पंजाब नू जो सनअती पैकेज जम्मू कश्मीर दे बराबर दा देण दी गल कीती है, पंजाब दा व्यापार खोलण दी गल कीती है, जिहड़ा साडा इत्थे पाकिस्तान दे नाल व्यापार खोलिया जावे, अज दुनिया दा अद्धा अर्थचारा व्यापार नाल है, खेतीबाड़ी ते इंडस्ट्री अद्धे च खेतीबाड़ी ते इंडस्ट्री आउंदे ने, अद्धे च कल्ला व्यापार आउंदा, जे दुनिया की गल करिए सर्विस सैक्टर आउंदा हैगा उहदे विच, सो अज व्यापार दा युग है, असी व्यापार खोलण की गल कीती है भी पंजाब च खुशहाली आएगी उहदे नाल, जे पंजाब दे राही व्यापार होएगा सारा पाकिस्तान,
ओहदे च साडियां फसलां मशीनरी। मैं तां कुछ बंदे सानू जाणदे आ ओह कहिंदे जी साडे तां उरे ट्रैक्टर कंबाइनां इन्नियां महंगियां ने जिहड़े कोई सानू जे हिंदुस्तान चों अलाउ कर देण तां असीं तां पंजाब दी अद्धी कंबाइन ते ट्रैक्टर पंजाब दा असीं खरीद के लै जाईए। इन्ना उहनां नूं लोड़ है बाहरों पता नहीं कितों अमरीका तों बाहर तों कितों ट्रैक्टर मंगवाउणे पैंदे उहनां नूं। इसे तरह उत्थे टमाटर इन्ने महंगे 50,000 रुपए किलो तो कदे घट नहीं टमाटर होंगे। उत्थे जिहड़ा आलू अपना सड़कां ते रुड़दा हुंदा उत्थे उह कहिंदे सानू आलू की लोड़ है। तो किन्नी व्यापार का असीं जोर लाया इस गल ते भी व्यापार खोलो ता कि पंजाब नूं फायदा होवे। पंजाब दे पाणी पंजाब दा पंजाबी बोलदे इलाके देने राजधानी इह भी असीं मंगा रखी है। हालांकि इह 3-4 मंगा बड़ियां पुरानियां लमकदियां आ रहियां इह छेती हल होण वालियां नहीं पर असीं तां इह मनदे हां कि जिहड़ियां इह मंगा रखियां इहनां चों असीं 2-3 वी हल करा लईए तां साडी बहुत वड्डी जित होऊगी। पंजाब नूं घट्टो घट कुछ असीं लै के देवांगे कोई पंजाब दा नुकसान नहीं। हाँ साडी आपदी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल साडा आपदा चोण निशान है जे साडी नहीं मन्नणगे साडी गल्लां ते ध्यान नहीं देणगे सानू इग्नोर करनगे असीं जद मर्जी अड्ड हो सकदे हां असीं उहनां दे बन्ने होए नहीं। पर पंजाब लई पंजाब दे वास्ते कुछ प्राप्त करन लई ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਏਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਸੋਧਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕੋਈ DSP SHO ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉਵੇਂ ਪਲੈਨ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹ ਕੁਛ ਉਰੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ।